एक ऐसा इशू है जिससे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारे आपके क्वेरीज आती रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि यार स्टेमिंग के ऊपर कुछ बताइए। तो चलिए आपको बहुत कुछ बता देते हैं स्टेमिंग पे, लेकिन बताऊंगा सारा कुछ लेमन्स लैंग्वेज में, जिससे कि आप इजिली समझ भी पाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए और अपने बच्चे को भी जल्दी से जल्दी आप स्टेमिंग से आजाद करवा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान देते हैं स्टेमिंग के ऊपर, काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को ना, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको डॉक्टर ये बताए कि ये आपको टैबलेट्स खानी है, आप जाते हो अगर चुपचाप टैबलेट खा ले, तो दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कहे कि जब आप ये टैबलेट खाओगे तो ये आपके स्टमक में, एब्डोमेन में जाएगा, वहां पर ये टैबलेट जो है डिजॉल्व होगी, फिर आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपकी जो टैबलेट है ये एब्जॉर्ब होगी, फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, फिर आपके पेन पर ये ऐसे असर करेगी, पागल हो जाओगे यार। आपको क्या फर्क पड़ता है इतना टेक्निकल नॉलेज से? तो आपको लेमेंस लैंग्वेज में चीजें समझाई जानी चाहिए, जिससे कि आप चीजों को समझे और एग्जीक्यूट करें। आपको डिग्री नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ अपना बच्चा ठीक करना है, उसी पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर लीजिए, +91 जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं स्टिमिंग के ऊपर। सो स्टिमिंग एक तरह का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है, जिसमें बच्चा खुद को स्टिमुलेट करता है और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। एक तरह से अपना सेंसरी ओवरलोड जो होता है उसको वो कम कर लेता है। सेंसरी ओवरलोड क्या होता है, मैंने वीडियो दिया था आपको, पीछे जाओ वीडियोस को ढूंढो, सेंसरी ओवरलोड को पढ़ लो। यानी जब आपकी सेंसेस पे बहुत ज्यादा लोड डाल दिया जाता है, यानी आपको सारा दिन बेवकूफों की तरह काम कराया जाता है, हर वक्त आप 24 घंटे लगे पड़े हैं कि मुझे बच्चा 3 दिन में ठीक करना है या 6 दिन में ठीक करना है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा सा बच्चे को रिलैक्स रख करके आगे बढ़ना होता है, ताकि सेंसरी ओवरलोड कम से कम आए। जब सेंसरी ओवरलोड ज्यादा होता है, सेल्फ स्टिमिंग बिहेवियर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स या स्टिमिंग ज्यादा बढ़ जाती है। अब स्टिमिंग स्टिमिंग के बारे में बात कर लेते हैं, स्टिमिंग कितने टाइप की होती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। सो स्टिमिंग के बारे में बात करें तो ऑडिटरी, वोकल, टेक्टाइल, विजुअल, वेस्टिबुलर, ऑल्फैक्ट्री और गस्टेटरी टाइप की स्टिमिंग होती है। सबसे पहले ऑडिटरी के बारे में, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ चीजें सुनने की कोशिश करता है आराम से अपने, या तो फिंगर स्नैपिंग कान के पास करता रहेगा या कानों को बंद करेगा। उसके अंदर जो आप जब आप कान बंद करते हैं ना, जैसे शंख के अंदर आवाज होती है, ऐसे कानों के अंदर गूंज आती है, तो उससे वो स्टिमुलेट होते हैं। इसी तरह से वोकल वोकल स्टिमिंग क्या होती है, वोकल स्टिमिंग में क्या करता है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा आवाजें निकालने की कोशिश करता है और कुछ इस तरह के कुछ साउंड्स निकालेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा या कुछ वर्ड्स बोलता रहेगा, रिपीट मोड में वो चला जाएगा, एक लूप पे चला जाएगा। टेक्टाइल स्टिमुलेशन में क्या होगा, या तो वो किसी सरफेस पे बच्चे फिंगर्स को टैप करते रहेंगे, क्लैपिंग करते रहेंगे, या फिर किसी सरफेस को टच करेंगे, किसी टेक्सचर को फील करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विजुअल स्टिमिंग आती है, लाइट की तरफ बच्चे देखते हैं, घूमते टायरों की तरफ बच्चे देखते हैं और इसी तरह से पंखों की तरफ बच्चे लगातार देखते रहेंगे, किसी भी चीज की तरफ लगातार वो देखते रहेंगे और उसमें क्या इमेजिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेस्टिबुलर स्टिमिंग में क्या होगा कि बच्चा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, कोई सीसो मूवमेंट करेगा, जैसे किसी रॉकिंग चेयर पे आप बैठे हो, ऐसे अपने आपको मूव करेगा या खुद वैसे हिलता रहेगा, जंपिंग करेगा या कुछ भी करेगा, इस तरह की चीजें वो करने की कोशिश करेगा। ऑल्फैक्ट्री में क्या होगा कि वो किसी चीज को सूंघेगा, कभी मम्मी का दुपट्टा सूंघे और कुछ नहीं मिलेगा तो किसी के बाल सूंघना शुरू कर देगा, और कुछ होगा कोई चीज उठाएगा उसको सूंघना शुरू कर देगा, बेडशीट को सूंघना शुरू कर देगा, तो किसी भी चीज को नाक की तरफ लेकर के जाएगा। वो गस्टेटरी में वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा, किसी भी चीज को लिक करेगा, टेस्ट करेगा, यानी यहाँ उसको थोड़ा टेस्ट से सेंसेशन मिलता है। तो वो क्या करेगा, कभी तो आपके सामने कोई भी सामान पड़ा हो, हर चीज को उठा करके मुंह में डालने की कोशिश करेगा, उसे लिक करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें स्टिमिंग में आती है। एक ही मेथड आपने यूज करना है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको दिखे कि बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, बच्चे के पास जाइए, उसकी दोनों बाजुओं को पकड़िए और कोई फेवरेट सॉन्ग या राइम गाना शुरू कर दीजिए और झूमना शुरू कर दिया। वाह, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू, एक्सप्रेशन भी आपके ऐसे होने चाहिए, इन्वॉल्वमेंट वाले, उससे बाहर निकाल लीजिए। और खास तौर पे जो वोकल स्टिमिंग होती है, जिसमें बच्चा अपनी कहानियां बोलता रहता है, उसमें तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। बाकी सब स्टिमिंग में भी आपने देखा होगा, जब आप कोई म्यूजिक या राइम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो अपने वर्ल्ड से बाहर निकलेगा और जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है या स्टिमिंग है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये हार्मफुल नहीं है और बच्चा कुछ कर रहा है तो ज्यादातर कोशिश तो करिए कि इग्नोर कर दीजिए, लेकिन विजुअल स्टिमिंग स्पेशली वो इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है, उसमें तो आप खास ख्याल रखिए कि बच्चा अगर आंखें झपकाए बगैर या आंखों के पास ही उंगलियां करके उनको देख रहा है कुछ करता, उसकी स्टिमिंग या उसके फिक्सेशन बिहेवियर को तो बिल्कुल तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको मेथड बताया कि उसको उसकी दोनों बाजुओं को पकड़िए और गाना शुरू कर दिए, उसके साथ झूमना शुरू कर दीजिए। तो जब आप ये सारे के सारे मेथड्स अपनाएंगे, सबसे पहला मेथड होता है इग्नोरेंस, कि आपको इग्नोर कर देना है अगर आपको लगता है कुछ भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बाकी सारी तरह की जो स्टिमिंग्स होती हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जो विजुअल स्टिमिंग होती है उस स्टिमिंग के लिए आप खास ख्याल रखिए कि उसमें, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा इमेजिनेशंस बनती है और उससे बच्चा कॉन्शियस से सबकॉन्शियस वर्ल्ड की तरफ जाता है, इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ जाता है, इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ जाता है, तो उसे उसे जरूर तोड़ने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से बच्चे को एक तो सबसे अगर लाइट चल रही है तो लाइट को बुझा दीजिए, दूसरी बात पंखा चल रहा है पंखे को बुझा दीजिए, बंद कर दीजिए, और कोई टायर अगर वो देख रहा है तो उसको एकदम से उठा लीजिए, उसका ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश कीजिए, गाना गाना शुरू कीजिए, उसके साथ झूमना शुरू कीजिए, और अगर किसी ऐसी जगह पर है जहां पर ऐसा कोई सेल्फ स्टिमुलेशन हो रहा है उस जगह से उठा करके थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए ताकि वो फिक्सेशन खत्म हो जाए। तो ये आपको मेथड सारे के सारे यूज करने हैं, बहुत ईजी मेथड्स हैं, आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे कमेंट करते रहिए, ज्यादा कमेंट ज्यादा वीडियोस। बाय।